पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कई दिनों से एक नाम ट्रेंडिंग पर है जो कि दुआ ज़हरा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दुआ ज़हरा ट्रेंड मुसलसल कई दिन से चल रहा है और इस हवाले से बहुत से सीनियर सहाफ़ियों और सोशल एक्टिविस्ट की जानिब से ट्वीट भी किए गए और मौजूदा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर दुआ ज़हरा की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई। दुआ ज़हरा एक 14 साल की बच्ची है जो कि 16 अप्रैल को कराची में गुम हो गई थी, जो कि अभी तक अपने घर वापस नहीं पहुँची है। इस केस के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और कोशिशें की जा रही है कि हुकूमत फौरी तौर पर अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए दुआ ज़हरा की वापसी के लिए कोशिश करे। अथॉरिटीज़ की जानिब से अभी तक दुआ ज़हरा का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका और ना ही कोई ये जानता है कि दुआ कहाँ गई, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन दुआ ज़हरा के हवाले से और उसके गुम होने के बाद वाली तमाम डेवलपमेंट के हवाले से एक इंतहाई परेशान कुन वीडियो सामने आ चुकी है। एयर बाय डिजिटल की मारूफ रमज़ान ट्रांसमिशन में दुआ ज़हरा के वालदैन अपनी बेटी के लिए मदद करने और उसको तलाश करने के लिए मदद की अपील करने के लिए पहुँचे तो वालदैन ने बताया कि दुआ ज़हरा के गुम हो जाने के बाद उसके वालिद ने फौरी तौर पर मसाजिद में ऐलान करवाने का रुख किया तो उन मसाजिद में दुआ ज़हरा के नाम से ऐलान करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि इस बच्ची का नाम शिया नाम है और मसाजिद की जानिब से कहा गया कि हम इन नामों का ऐलान नहीं करते, यानी अगर कोई शिया बच्चा गुम हो जाए तो उसका ऐलान नहीं किया जाता, जिसके बायस फौरी तौर पर मसाजिद में ऐलान न करवाया जा सका और दुआ ज़हरा के मुतल्लिक कोई अता पता मालूम नहीं है। दुआ ज़हरा के वालदैन डेड बॉडी सेंटर में भी अपनी बच्ची को तलाश कर चुके हैं लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। 16 अप्रैल से गुम होने वाली दुआ ज़हरा अभी तक अपने घर वापस नहीं पहुंची और ना ही कोई जानता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है।